नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज हम फिर आपसे आपके बीच हैं, हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BSc साइंस। इससे पहले आपने लगातार BA आर्ट्स, BA सोशल, BSc एग्रीकल्चर, BA लॉ, इन सब के ऊपर आपने वीडियोस देखा और आपने कई कमेंट्स किए जिसमें BSc साइंस को लेके आपने डिमांड रखी। तो आज हम गए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जहाँ हमारे दो पीढ़ी अनुज, ये है आशुतोष राय और आप हैं यशवीर। इन दोनों ने हमें आश्वासन दिया कि पूरी मेहनत से ये BSc साइंस के ऊपर एंट्रेंस वीडियो बनाएंगे और 3-4 दिन तक इन्होंने लगातार मेहनत की, हर एस्पेक्ट को छाना खंगाला और आज ये हमारे बीच है, हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BSc साइंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BSc साइंस। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो BHUonline.in पे जाइए और फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 21 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट जो है वो आपका 10+2 PCMB, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी या जियोलॉजी या ज्योग्राफी, कोई इन सब में से एक सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट होना चाहिए और इन तीनों में आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और आप पेयरिंग स्टूडेंट हैं अगर 12th के, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो पॉइंट आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी के लिए, वो है डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में 1 जुलाई 2018 तक आपकी एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1996 के बाद की होनी चाहिए। तो दोस्तों अगली जानकारी जो हम अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में देना चाहते हैं वो इस प्रकार है। हमारा BHU BSc का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें हर सवाल के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। आपको 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनना होता है जो उस प्रश्न का सही उत्तर होता है। अगली जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारे प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न आते हैं, जिनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ए, बी और सी। बायोग्रुप के जो छात्र हैं उनके प्रश्न पत्र में 3 ग्रुप, 50 क्वेश्चन का एक ग्रुप फिजिक्स का, 50 क्वेश्चन का एक ग्रुप बायो का और 50 क्वेश्चन का एक ग्रुप केमिस्ट्री का होता है। उसी प्रकार से मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए 50 प्रश्न का एक ग्रुप मैथ का, 50 प्रश्नों का एक ग्रुप फिजिक्स का और 50 प्रश्नों का एक ग्रुप केमिस्ट्री का होता है। पूरे प्रश्न पत्र की बात करें तो हमारा पूरा प्रश्न पत्र 450 नंबर का होता है, 450 मार्क्स का, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक कैरी करते हैं। जानकारी जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मैं जो आपको देना चाहूंगा वो है कि आप हर प्रश्न को गलत करने पर आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए प्रश्न पत्र को बेहद सावधानी से हल करें। आइए दोस्तों आपको बताते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। इससे पहले मैं आप बता दूं कि BSc के लिए हमारे यहाँ 2 तरह से आप आ सकते हैं BHU में। एक है फैकल्टी इन मेन कैंपस, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का एडमिशन होता है, और एक है महिला महाविद्यालय जहां केवल फीमेल कैंडिडेट्स का एडमिशन होता है। फैकल्टी इन मेन कैंपस में मैथ्स ग्रुप के छात्रों के लिए कुल 460 सीटें हैं और बायो ग्रुप के छात्रों के लिए 307 सीटें हैं। वहीं महिला महाविद्यालय में केवल महिला छात्रों के लिए मैथ्स में 77 सीटें और बायोलॉजी ग्रुप में 154 सीटें हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें सीटें काफी ज्यादा हैं, लेकिन जब आप आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मैथ्स ग्रुप के लिए 60,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था और बायो ग्रुप में 45,000 से भी ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए बचे हुए 2 महीनों में आप एंट्रेंस के लिए अपनी जीतोड़ मेहनत शुरू कर दें। चलिए आइए बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। हमारी BHU वर्ल्ड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद पूरे पेपर का निचोड़ निकाल डाला। तो बात करते हैं पहले टॉपिक की पेपर एनालिसिस में, तो 11th और 12th पोर्शन से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं और 11th के 40% क्वेश्चन रहते हैं और 12th के 60% क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि 12th का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। और पेपर पैटर्न की जब हमारी टीम ने एनालिसिस की तो ये पाया कि 60% जो क्वेश्चन है इजी लेवल के है, मीन्स छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का 1 वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं, देखते ही टिक कर सकते हैं।
और बाकी के 30% क्वेश्चन एवरेज हैं, जिनमें थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी के जो 10% क्वेश्चन होते हैं वो हॉट क्वेश्चन कहलाते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, इसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी राय इसे छोड़ ही दे आप। उसके बाद जब पेपर की कठिनतम पेपर की डिफिकल्टी लेवल को जब हमारी टीम ने जांचा परखा तो उसमें पाया कि 60% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें तीनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एज वेल एज मैथ के लिए। और लास्ट में मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको आप जरूर देखें, 10 साल के कम से कम पेपर आप प्रीवियस ईयर के देखें, मैथ के भी बायो के भी, ताकि अगर आप मैथ सेक्शन से हैं तो भी बायो के पेपर देखिए, क्योंकि उनके फिजिक्स केमिस्ट्री जो होते हैं उनके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। चलिए आते हैं अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे। बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री की। मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी कवर करें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इसकी केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इनऑर्गेनिक की थोड़ी लेवल हाई रहती है, आप जानते हैं डाटा या बेसिस क्वेश्चन रहते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, तो उसको आप हाई मान सकते हैं उसके लेवल। ऑर्गेनिक नॉर्मल होता है और फिजिकल मॉडरेट लेवल का होता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप चाहेंगे तो आसानी से कर लेंगे, वन टिक में मारेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग को कैसे आप भूल सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों मिलके ही इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चन को कंप्राइज करते हैं। तीसरा टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। चौथा टॉपिक आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ब्लॉक एलिमेंट एस पी डी एफ ब्लॉक्स। इन चारों को आप एनसीईआरटी से पढ़े, मेरा सजेशन है पर्सनली एनसीईआरटी इसके लिए बेस्ट है। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आप पढ़े वो सबसे बेहतरीन है, और फिजिकल के लिए इक्विलिब्रियम पढ़े आपको केमिस्ट्री। और मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप जब पेपर करें तो उसमें केमिस्ट्री पहले कर लें, क्योंकि ये थोड़े आसान सेक्शन होते हैं और पहले ही राउंड में अगर आपके अच्छे नंबर आपके गिरफ्त में आ जाते हैं तो ये आपके लिए एक पहली जीत होती है। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल अपग्रेडेड रहता है, हाई रहता है, डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी बेसिस रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता रहे हैं आपको फिजिक्स के लिए, जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने देखा है जब मैंने 10 साल के पेपर एनालिसिस किए तो उसमें मैंने जो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैंने देखी वो था मैटर्स एंड प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी और फ्लूड के जो चैप्टर्स है उन दोनों, बहुत ही आसान चैप्टर्स है और बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाले ये चैप्टर है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं सेमीकंडक्टर से, आप झोली भर के नंबर ले जा सकते हैं। तीसरा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरीज है, थ्योरीज जितनी है आप पढ़ डालें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, साइंटिस्ट पे नाम पे क्वेश्चन आते हैं, किसने कब क्या ढूंढा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और मैकेनिक्स चौथा इंपॉर्टेंट है, डरने की कोई बात नहीं है, मैकेनिक्स की लेवल बहुत ही कम होती है, इसलिए बहुत ही सिंपल लेवल की मैकेनिक्स होती है। चलिए आइए बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। तो बायोलॉजी सेक्शन के लिए मैंने पहले ही आपको बताया एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एनसीईआरटी सबकी रूट है, सबकी जड़ें एनसीईआरटी ही है। अगर आप एनसीईआरटी पे ध्यान देते हैं तो आप ये एंट्रेंस बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। आइए बात करते हैं ट्रेडिशनल बायोलॉजी जो है, पुरानी बायोलॉजी, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो आपके डाइवर्सिटी सेक्शन हो गए जेनेटिक्स के और मॉडर्न, जेनेटिक्स और मॉडर्न जो बायोलॉजी है उससे एवरेज क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रहते। हायर एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके पीएमटी वगैरह, उसमें जेनेटिक्स क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका सेक्शन कम रखा गया है। पोस्ट मॉडर्न जो है, जैसे डिजीज वगैरह हो गए, उनसे थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मॉडर्न डिजीज वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते उसमें। आइए आपको टॉपिक की बात करते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्रू आउट द पेपर मैंने जो देखा वो पाया एनिमल फिजियोलॉजी। आप इसको टोटल एनिमल फिजियोलॉजी में 7-8 चैप्टर आते हैं, आप इसको जी जान लगा के जी जोड़ मेहनत करके पढ़िए, एक एक फिगर को ध्यान से देखिए, वहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं और वहीं से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप एक एक इंस्ट्रूमेंट के नाम से क्वेश्चन, जैसे एक रेस्पिरेशन में आप पढ़ेंगे स्पायरोमीटर होता है, उसको उस क्वेश्चन को उन लोगों ने पूछा कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप रेस्पिरेशन की वॉल्यूम नाप सकते हैं, स्पायरोमीटर। दूसरा जो सबसे टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट वो है सेल एंड डिवीजन, और इसमें डिवीजन, सेल डिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसमें एक एक बारीकियों से क्वेश्चन आते हैं और ये वन वन टिक वाले क्वेश्चन ही होते हैं जो आप एक झटके में ही देखते मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने डिजीज है, डिजीज से इम्यूनिटी वाले सेक्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप उसको भी ध्यान से देखिए। और एनसीईआरटी ये तीनों टॉपिक्स आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बनाई है, एनसीईआरटी में आप जरूर देखें। चौथा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी दो है, एक प्लांट की एक एनिमल की। एनिमल वाली से क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट, तो आप एनिमल को ज्यादा ध्यान दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ फिगर पे जरूर ध्यान दें क्योंकि फिगर से क्वेश्चन उठ के आते हैं, डायरेक्ट फिगर नहीं पूछा जाता लेकिन फिगर से क्वेश्चन उठ के आते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। तो अगर आप बीएचयू बीएससी एंट्रेंस निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्षों का पेपर, कम से कम पिछले 10 वर्षों का पेपर जरूर देख लें और उसे एनालाइज करें कि किन टॉपिक्स से ज्यादा सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी की किताबों पर बहुत फोकस करना चाहिए क्योंकि ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, आसान से आसान सवाल भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि इन किताबों की प्रैक्टिस के बाद आप मैथ्स के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पर्याप्त समय हो तो आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर किताबों के भी सवाल को हल कर सकते हैं। आपको अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर चाहिए तो आप बीएचयू की वेबसाइट bhuonline.in पर जाकर पेपर का पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मार्केट में ऐसी कई बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए आपको, जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे दो तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, दो जगह आप पढ़ सकते हैं। जो लड़के छात्राएं हैं वो दो जगह पढ़ती हैं, एक फैकल्टी इन मेन कैंपस और दूसरा एमएमबी में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फैकल्टी इन मेन कैंपस की। मैथ्स के लिए जो जनरल की कट ऑफ थी लास्ट ईयर की वो 207 थी और ओबीसी के लिए 192, एससी के लिए 121 और एसटी के लिए 92 और एम्प्लॉय वार्ड के लिए 17 मार्क्स। फिर भी अगर आप पेड में भी पढ़ना चाहते हैं, पेड सीट हमारे यहाँ अवेलेबल है बीएचयू में जिसमें आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी कट ऑफ थी फैकल्टी इन मेन कैंपस की 190। आइए अब बात करते हैं एमएमबी की कट ऑफ की। तो एमएमबी में जनरल की कट ऑफ थी 177, ओबीसी की 168, एससी की 108 और एसटी की 80 मतलब 80 और एम्प्लॉय वार्ड के लिए 22 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैकल्टी में लेने के लिए, एमएमबी में लेने के लिए एम्प्लॉय वार्ड को भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ अगर एमएमबी में आप पेड सीट की लेते हैं तो आपको एमएमबी में पेड सीट के लिए पिछले साल की कट ऑफ थी 169। तो पेड सीट आप अगर एमएमबी में भी लेना चाहते हैं तो उसकी भी कट ऑफ आपके पास है। अब बात करते हैं बायो की कट ऑफ की। बायो की कट ऑफ के लिए जो जनरल की फैकल्टी इन मेन कैंपस में कट ऑफ थी लास्ट ईयर की वो 200 मार्क्स थी और ओबीसी के लिए 179 थी, एससी के लिए 101 थी, एसटी के लिए 57 थी और यहाँ एम्प्लॉय वार्ड के लिए ये भी 17 थी, जैसा कि आपने मैथ में भी देखा ऐसा था। फिर बात करते हैं एमएमबी में बायो की कट ऑफ क्या गई। तो अब पिछले साल एमएमबी में बायो की जनरल की कट ऑफ 174 थी, ओबीसी की 139 थी, एससी की 83 थी, एसटी की 48 थी और एम्प्लॉय के लिए 22 थी। तो दर्ज आप लगातार देख सकते हैं एमएमबी में अगर आपको एम्प्लॉय वार्ड को भी एडमिशन लेना है तो आपको फाइट करना है यहाँ। और आपको बात करते हैं, देखिए आप एडमिशन तो आपके हो जाते हैं, फिर यहाँ हॉस्टल के लिए भी बहुत टफ कंपटीशन। बॉयज़ के लिए यहाँ पे पिछले साल मैथ्स ग्रुप में जनरल, ओबीसी, पेड, यहाँ तक कि एम्प्लॉय वार्ड भी, उनके भी बच्चों के लिए बॉयज़ का कट ऑफ 229 मतलब 229 गया था और गर्ल्स के लिए एफएमसी मेन कैंपस में कट ऑफ जनरल, ओबीसी, पेड और यहाँ तक कि यहाँ भी एम्प्लॉय वार्ड के लिए 239 था, जबकि एमएमबी में यही हॉस्टल का कट ऑफ 187 था। बात करते हैं एससी की, तो वो बॉयज़ के लिए फैकल्टी इन मेन कैंपस का कट ऑफ 149, गर्ल्स का कट ऑफ 146 और एमएमबी में 109 था।
एसटी की बात करते हैं तो वो बॉयज़ के लिए कट ऑफ 122, गर्ल्स के लिए 131 और एमएमबी में 86 था। और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लोगों के लिए बॉयज़ का कट ऑफ 91, गर्ल्स का 94 और एमएमबी में 44 था। ये थी मैथ्स ग्रुप की हॉस्टल की कट ऑफ। अब आइए जानते हैं बायो ग्रुप के हॉस्टल की कट ऑफ क्या थी। लास्ट ईयर जनरल, ओबीसी, पेड और एम्प्लॉय वार्ड सभी की बॉयज़ के लिए कट ऑफ बायो ग्रुप में 216 थी। जैसा कि ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी, बाकी आगे की राउंड में ये थोड़ी सी डिक्रीज करती हैं। और गर्ल्स की कट ऑफ 252 थी, गर्ल्स एमएमबी की कट ऑफ 189 थी। एससी की बात करेंगे तो बॉयज़ की कट ऑफ 135, गर्ल्स की कट ऑफ 146 और गर्ल्स एमएमबी की 103। एसटी की बात करते हैं तो वहाँ बॉयज़ की कट ऑफ 68, गर्ल्स की 131 और एमएमबी में ये 59 थी। और अगर फिजिकली चैलेंज ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ 64 बॉयज़ की कट ऑफ 64 थी, गर्ल्स की कट ऑफ 69 थी और एमएमबी में ये 43 थी। तो ये रहा हॉस्टल की कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं हॉस्टल के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। आपको अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे यहाँ के टॉप सब्जेक्ट जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह आपके अगर ऑनर्स में लेना है तो आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि उनके कट ऑफ थोड़े ज़्यादा जाते हैं। तो आपको ये बात अपने दिमाग में ध्यान में रखना होगा ज़रूर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाइए, लाल वाली बटन को आप हिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप हम BHU एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी या तो आप BHU की वेबसाइट से ले सकते हैं या हमारे FB पेज से ले सकते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत FB का पेज खोलिए और @worldBHU टाइप कीजिए और हमारे पेज को लाइक करिए। इस पूरी वीडियो के पीछे हमारी एक टीम की कड़ी मेहनत का हाथ था, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे बड़े भैया सूरज को और हमारे मित्र हर्षवर्धन को और हमारे भाई यशवीर सिंह को। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं शोभित का, वैभव का और रवि का, जिन्होंने हमारे इस वीडियो में सहयोग किया।